सफाई के ऊपर देखा जाए तो सफाई के ऊपर तो पेशाब कर दिया जा रहा है। क्या बैठे हुए, कैसा महका रहा है? हाँ, महका रहा सर। यहाँ पेशाब करते हैं, नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है साफ सफाई के लिए? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भागलपुर बस स्टैंड में। कहने को तो ये बस स्टैंड है, बस पड़ाव है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं जो है ना सर, वो सुविधाओं के नाम पे लोग पेशाब करते रहे, सुविधा के ऊपर पेशाब करते रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो देखिए सामने। अभी आपको कितना एग्जांपल देंगे ना इस वीडियो के दौरान कि आप शर्म से पानी पानी हो जाइएगा, शर्म से तार तार हो जाइएगा। अगर भागलपुर के निवासी हैं तो अगर किसी भी इंसान को, कोई बाहरी इंसान आता है, उसे बस पकड़ना हो या फिर आपको खुद बस पकड़ना हो, तो आपको इसी बस अड्डे पर आना पड़ेगा। और इस बस अड्डे का ऐसा हाल देख करके शायद आप शर्म से तार तार हो जाएंगे। लेकिन नेताजी का नगर निगम का चुनाव जोर शोर से चल रहा है, प्रचार गाड़ियाँ जोर शोर से यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन कार्य क्या हुआ है वो आपके सामने है। कार्य पे गोबर कर दिया गया है, चारों तरफ देखिए ना सर, लोग आ रहे हैं, पेशाब करते जा रहे हैं और इस जगह को पूरा दूषित कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ शौक से पेशाब कर रहे हैं। इस जगह पे देखिए, सबसे बड़ा भद्दा मजाक तो यहाँ इस जगह पे हुआ। इधर आइए, लिखा क्या है, पेशाब करना मना है, पकड़े जाने पर जुर्माना भी नहीं लिखा है, जुर्माना है। अब बताइए, ये तो निरंतर पेशाब कर रहे हैं, ना यहाँ कोई जुर्माना लगाने वाला है, ना ही यहाँ पर लोग पेशाब करना बंद कर रहे हैं। इस जगह का ऐसा हाल शायद नगर निगम की एक बदहाली ही दिखाती है। यहाँ देखिए ना सर, पूरा कचरा फैला हुआ है, नगर निगम की गाड़ियाँ पूरे शहर में भ्रमण करती नजर आती है, लेकिन इस जगह पर क्यों नहीं आती है? इस जगह पर आकर के इस जगह का जो कचरा है वो क्यों साफ नहीं होता है? यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं जिनका ठेला ठुकुर लगा के वो लोग अपना जीवनी चलाते हैं, यहीं पर ठेला लगाते हैं भैया। नहीं, अच्छा यहाँ पे खड़े हैं, कैसा महक आ रहा है? हम लोग नहीं बेचते हैं भैया कुछ। अच्छा बेचते नहीं है, अभी यहाँ खड़े हैं ना, बैठे हुए, कैसा महक आ रहा है? हाँ, महक आ रहा सर। सही है यहाँ? हाँ सही है, महक आ रहा है। लोग पर डे यहाँ पे हमेशा पेशाब करते रहते हैं। अच्छा परेशानी होता है इस चीज़ से? परेशानी होती है, यहाँ पेशाब करते हैं। नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है साफ सफाई के लिए? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस अड्डा जो यहाँ पर बना हुआ है, यह रेलवे में पड़ता है, नगर निगम की, वो नगर निगम का वो कर्तव्य है कि यहाँ से कचरा गाड़ी भेज के यहाँ से कचरा उठवाए। तो ये नगर निगम यहाँ नहीं आती है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं आती है नगर निगम की। शायद इस चीज को रेलवे के ऊपर थोपा जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये रेलवे की कार्य, ये रेलवे के अंदर आता है, तो इसलिए शायद नगर निगम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन क्या नगर निगम इस क्षेत्र को भूल गई है? क्या भागलपुर नगर निगम इस चीज पे ध्यान नहीं देगी? विकास की बात करें तो भागलपुर में अगर शिक्षा को देखा जाए तो वहां पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। सफाई के ऊपर देखा जाए तो सफाई के ऊपर तो पेशाब कर दिया जा रहा है। क्या भैया युवा है, कैसा महक आ रहा है? बहुत खराब महक आ रहा है। देखिए ना, अभी भी हम बोल रहे हैं, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, इसलिए वो निरंतर पेशाब करते ही जा रहे हैं। यहाँ पर नगर निगम की गाड़ियाँ आती है क्या? नहीं आती है, तब तो ऐसा हाल है। सुबह से अभी कितना समय हो रहा है बताइए, कितना समय हो रहा है देख के बताइए। बजने वाला है, 2 बजने वाला है और अभी तक नगर निगम की गाड़ियां यहां नहीं पहुंची हैं। अभी तक हो सकता है कि लोग कह सकते हैं कि यहां पर नगर निगम की गाड़ियां आती हों, लेकिन हम ही लोग बहुत पहले आ गए हैं। लेकिन दोपहर के 2 बज रहे हैं और यहां पर कोई गाड़ियां नहीं आई हैं, ना यहां पर कोई साफ सफाई हुई है। बाकी आप देख रहे हैं सिल्क टीवी, मेरा नाम है प्रतीक परमार। इस वीडियो को देखिए और नगर निगम की इस बदहाली के ऊपर आपका क्या सोचना है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।